हेलो गाइस, तो आज हम आपको लेके आए हैं रांची में स्थित पहाड़ी पर भव्य शिव मंदिर कैलाश धाम। तो आज मैं आपको उसके दर्शन कराने आया हूँ। तो देखिए यहाँ की बहुत ही मनोरम दृश्य आपको हमारे कैमरामैन शूट करके दिखाएंगे। आप जो है इसमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए बड़े ही मनोरम दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ। ये सीताराम संकीर्तन यहाँ पे कई वर्षों से हो रहा है। जस्ट ये सीढ़ियाँ ऊपर कैलाश धाम के लिए जाती है, बिल्कुल कैलाश धाम जैसा ही है। आइए तो हम आपको लेके चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ। ये है सीढ़ियाँ, तुम चलो चलिए। ये देखिए कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आपको ये मिलेगा श्री सद्गुरु परमहंस देवाय नमः, दादा ठनठन पाल जी महाराज का आश्रम। यहाँ प्रसाद की दुकान भी लगी हुई है। धाम हमारा पहाड़ी दिखा दो, पहाड़ी इधर से बोलो ना। ये देखिए आप ऊपर, इस प्रकार से भक्त लोग अपनी मान्यता मन्नत रहती है तो इस प्रकार से झंडे लगा देते हैं बड़े बड़े। ये पूरा मंदिर यहाँ पे दिखेगा आपको, बड़ा घंटा जो लोग बजाते हैं, इसकी भी अलग मान्यता है। इस प्रकार से तो काफी टन बजनी है ये। ये बड़े प्यारे प्यारे झंडे लगे हुए हैं शिव मंदिर, ये बहुत ही प्यारे प्यारे झंडे लगे हुए हैं, लोगों ने अपने श्रद्धा के अनुसार इसे लगाए हैं। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है मन्नत, वो यहाँ पे झंडा चढ़ाते हैं। काफ़ी सुंदर ये चारों तरफ से राउंड शेप बना हुआ है और बीच में और ये है हमारे महादेव। और इनकी भी मूर्ति जस्ट शिवलिंग के बाजू में ही है। ये ऊपर तक। हेलो गाइस, कैसे लगा आपको शिव धाम? बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनोहर। कमेंट में जरूर बताना, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। Thank you.
जस्ट जैसे ही आप शिवलिंग से नीचे आएंगे यहाँ मंदिर के, तो आपको हम दिखाएंगे नंदीश्वर महाराज के भव्य दर्शन, जो काफ़ी बड़े हैं, विशाल हैं। आइए लेके चलते हैं आपको। जय नंदीश्वर महाराज। मान्यता है कि इनके कान में कुछ कहा जाता है, बट इनके चारों तरफ अब इस प्रकार से लगा दिया है तो दूर से ही हम प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे कुछ बना नहीं था, मगर अब इस प्रकार से चारों तरफ बन गया है, तो पास में नहीं जा सकते हैं, हम ऐसे ही इनकी परिक्रमा कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर महाराज की। यहाँ प्रोग्रेस चालू है बनने के लिए। कार्तिक महाराज और ये गणेश जी, शिव जी के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय जी, और ये अभी आपको दिखाते हैं। जय ये पूरा राम दरबार, और भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी जब केवट के द्वारा नाव को पार किया गया था तो ये उस समय का चित्रण है, जिसमें केवट ने नाव से पार किया था रामायण के समय नौका ने, केवट के समय का है। और बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कमेंट में जरूर लिखना सियावर रामचंद्र की। चलिए तो हम आपको एक बार फिर से ऊपर से पूरी लोकेशन दिखा देते हैं कैलाश धाम की। उतरेंगे तो आप देखेंगे दादा ठनठन पाल जी महाराज का ये आश्रम बना हुआ है, यहाँ प्रसाद की दुकान लगी हुई है। आइए लेके चलते हैं। बोलो ठनठन पाल महाराज की। धाम का और आप चलते हैं नीचे की ओर, आपको और भी दर्शन कराने हैं। ये नीम का पेड़ आप जरूर इसको प्रणाम करें आते समय। छोटा सा मंदिर एक बना हुआ है नीम के पेड़ के नीचे। बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी मूर्ति है। जाते ही साथ आपको इस मंदिर के और दर्शन करा लें। ये श्री सीताराम संकीर्तन मंदिर है, यहाँ भव्य हनुमान जी की मूर्ति है, जो जिसको देखते ही साथ आप गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आइए लेके चलते हैं। सीताराम
आइए आज हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ अखंड सीताराम कीर्तन होता रहता है। जय श्री राम। बहुत ही भव्य प्रतिमा है श्री सीताराम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सीताराम प्रभु की जय। सीताराम अंदर मिलेगा और बहुत ही प्यारा है, सुंदर है। आप उनके भी दर्शन कीजिए। लोग यहाँ भी काले झंडे चढ़ाते हैं। सीताराम पूरा लोकेशन दिखा रहे हैं। सीताराम सीताराम कैसा लगा आपका कैलाश धाम? सीताराम कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।